हेलो दोस्तों, स्वागत है देवरानी जिठानी किचन में। तो आज हम लोग बनाएंगे भिंडी का मसाले वाला सब्जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या बना रही है छोटी? आज हम बनाएंगे भिंडी का सब्जी मसाले वाला। तो भिंडी का सब्जी बनाने के लिए क्या क्या ली है? तो हमने आधा केजी भिंडी लिए थे, उसको अच्छे से साफ कर और इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और मसाला में क्या क्या लिए? मसाला में तो यहाँ पर हमने सरसों और लहसुन का पेस्ट बना लिए है, सरसों वाला बनाएंगे। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और एक चम्मच लाल। और तड़का में क्या क्या है? और तड़का में दो लाल मिर्च है और थोड़ा सा सरसों दाना है और थोड़ा सा मेथी दाना है। तो हम बनाएंगे बिना प्याज और टमाटर का सब्जी, बहुत टेस्ट बनता है सरसों वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम गैस के पास चलते हैं। तो हम गैस को ऑन कर लिया, इस पर कढ़ाई चढ़ा दिए थे और मेरा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले। तो दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम भिंडी रख कर फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से हम चारों तरफ फैला देती हूँ और थोड़ा देर और लगने देंगे। हम सारा आजकल नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर कर पकाएंगे, नहीं तो जल जाएगा और अच्छे से नहीं पकेगा। तो इसे हम बीच बीच में चलाते हुए दो तीन मिनट पका लिए हैं और अच्छे से, तो ये अच्छे से पका लिए और थोड़ा देर और इसे पकाएंगे तो अच्छा से पक जाएगा। तो मेरा भिंडी फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। तो इसे मैं अब इस प्लेट में निकाल देती हूँ। तो इसे हम निकाल लिए हैं, अब इसको साइड में रख देती हूँ। अब ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो फिर से हम इसी कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसी में हम सब्जी बनाएंगे। दो लाल मिर्च है और थोड़ा सा सरसों दाना है और थोड़ा सा मेथी है। तो इसे हम डाल कर अच्छे से मिला लेती हूँ। और जैसे ही मेरा तड़का जल जाएगा तो इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो मेरा तड़का जल चुका है तो सबसे पहले हम लहसुन और सरसों का पाउडर और हल्दी पाउडर इसे भी डालकर साथ में भूनूंगी। और यहीं पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और अच्छे से मिला कर दो तीन मिनट अच्छे से भूनूंगी। तो यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो इसे मिक्स कर लेंगे और दो तीन मिनट और ढक कर पकाएंगे। घुमा चुका है, देख सकते हैं किनारे से चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। तो इसे हम अब इसमें जो भिंडी फ्राई करके रखे थे वो डाल देती हूँ। भिंडी के साथ मसाला मिक्स हो जाएगा। तो इसे हम मिला दिए है। अब बिना टमाटर वाला भिंडी बना रहे हैं। हाँ, बिना टमाटर और बिना प्याज के बहुत टेस्टी बनता है। अभी टमाटर का महंगाई चल रहा है, इसीलिए टमाटर नहीं डाली हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार बना के देखिएगा। इसी तरीके से देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। पक देती हूँ इसे। तो मेरा भिंडी भुना चुका है मसाले के साथ, देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। हाँ, तो इसमें ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड कर देते हैं। तो कितना पानी ऐड कर रहे हैं?
अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे, जितना ग्रेवी रखना है उसी तरीके से पानी डालेंगे। तो हमें ज़्यादा रस वाला नहीं बनाना है, हल्का बनाना है, सूखा। तो हो गया इसमें पानी, थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा इसके साथ बरकेगा ना। हाँ, इसके साथ बरक जाएगा तो अच्छा रहेगा, भिंडी में मसाला समा जाएगा। तब इसे ढक देगी, तो इसे ढक कर हम 5 मिनट पका लेती हूँ। तो इसे उबाल कर देखती हूँ, तो देखती हूँ मेरा ग्रेवी में उबाल आ चुका है चारों तरफ से और कितना अच्छा बरक रहा है। तो इसे थोड़ा देर और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएंगे तो उतारेंगे, ज़्यादा हमको 1 से 2 मिनट और पकेगा। हाँ, तो इसे फिर ढक देंगे। हाँ, फिर से ढक देती हूँ। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं मेरा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है, इतना अच्छा बना है। तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा भिंडी का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो अगर भिंडी का सब्जी बनाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो के लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।